हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सा जो है वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा। और आज के हमारे वीडियो का टाइटल है कि पटना में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार जो है मल्टी ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो है एक ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है। ये क्या है और यहाँ पे क्या होगा, वही मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने लेके जा रहा। हाँ तो व्यूअर्स, मैं बता दूं, ये जो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बन रहा है और ये पटना रेलवे स्टेशन के पास बन रहा है। ये बकरी बाजार के पास ही में बन रहा है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। ये है क्या और ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा, इसी के ऊपर हम ये पूरा का पूरा वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहे हैं। पटना में 10 एकड़ जमीन पर बनेगा मल्टी मॉडल हब और इससे क्या होगा वो मैं आपको बताने लेके जा रहा। पटना जीपीओ के पास में बकरी बाजार में 10 एकड़ से ज्यादा जमीन पर एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है, जिससे पटना जंक्शन से यात्रियों को आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा प्राप्त होगी। और इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत बनाया जा रहा है और 2 साल के भीतर ये बनकर के तैयार हो जाएगा। ये 2025 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत अलग अलग परिवहन सेवाओं जैसे कि बस सेवा, निजी कैब और ऑटो को एक छत के नीचे एकीकृत किया जा रहा है और इसके ऊपर रिपोर्ट बना ली गई है और अंतिम रूप से भवन का डिज़ाइन भी बिहार राज भवन निगम लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जा रहा है। और यह परियोजना पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत बनाया जा रहा है और इसके तहत जो है वो स्टेशन सड़क पर एक पैदल यात्री मेट्रो एवं मल्टी लेवल कार पार्किंग और गतिविधि केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है। और बनने के बाद ये बड़ा ही, बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा होगा और काफ़ी अच्छा होगा ये। तो यही खबर है और इसको बनाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का इस्तेमाल किया जा रहा है और 2024 तक बनने की इसकी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इसको बनते बनते उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 हो ही जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हम यूँ ही ऐसे ही पटना, बिहार और पूरे झारखंड के बारे में वीडियोज़ बना करके आपको दिखाते रहें।